यार मैट्रिक कभी ना करना वरना वही हाल होगा जो मेरा हुआ। अब कल मुझे एक गोरी आंटी कहती है कि ब्रो मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा आंटी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कहती है माय चाइल्ड इज वेस्टेड। मैंने कहा ओ माय गॉड, दैट इज अ वेरी बैड न्यूज। मैंने कहा आई एम सॉरी। अब मुझे किसी खातून का मिस कैरेज होने के बाद उसके साथ अफसोस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने ये तो समझ लिया कि हाँ ये बैड न्यूज है, अब ये खातून है वो प्रेगनेंसी मुश्किल से होती है और बच्चा फिर अगर जाया हो जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन, राइट? मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उसको कॉन्डोलेंसेज देता, लेकिन अब वो गोरी थी तो मैं उसको ये कहने लगा था कि चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह और देगा, हम दुआ करेंगे, हम पीर साहब के पास जाएंगे औलादे नरीना के लिए तो दोबारा हो जाएगा बच्चा। फिर मैं सोचा यार ये तो गोरी है, मुसलमान थोड़ी है। यूके में तो बच्चा पैदा करने के लिए थोड़ी गलत हरकतें करनी पड़ती है ना। पाकिस्तान में होता ना पीर साहब की दुआ से हो जाता है या अल्लाह से मांगते हैं तो हो जाता है। मैं तो खुद नानी अम्मा की दुआ से हुआ था, मेरे माँ बाप पे भी लोग इल्जाम लगाते हैं। तो मैंने उसको ऐसे कहा कि चलो योर हस्बैंड इज फाइन। कहती है हाँ हाँ माय हस्बैंड इज फाइन। मैंने कहा आई मीन फाइन एज इन फाइन, मतलब उसका सिस्टम सिस्टम चल रहा है ना। कहती व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आई मीन डज ही स्टैंड अप फॉर यू, डज ही सपोर्ट यू इन द प्रोसेस? कहती है हाँ ही इज, बट वाई आर यू आस्किंग दैट? मैंने कहा यू सेड योर चाइल्ड इज वेस्टेड, तो मतलब कोई नहीं दोबारा हमला हो सकती हो तुम, अभी तुम्हारी एज कोई इतनी ज्यादा नहीं है, अभी तुम लेट 30s में ही हो, बच्चा पैदा हो सकता है बायोलॉजिकली। इधर आओ मैं तुम्हें यूट्यूब पे हम बिस्तरे की दुआ वाली वीडियो दिखाऊं, ये हमारे मुसलमानों ने बनाई है। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा ये तुम दुआ पढ़ लो और एक खास तरीका है ना, आदाब होते हैं बिस्तरे की, वो करोगे तो तुम्हारी दोबारा प्रेगनेंसी हो जाएगी। बावजू होके अपने खावन से रजू करोगे तो अल्लाह बरकत डालेगा। यू कैन ऑलवेज कंसीव अगेन, आई मीन लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज लाइक दैट, देर आर अप्स एंड डाउन्स, बट इफ योर हस्बैंड इज अप एंड यू आर डाउन यू कैन डू इट अगेन, डोंट वरी, यू शुड ट्राई ड्यूरिंग द ओवुलेशन डेज। वो मेरा मुंह देखे, ब्रो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वल्नरेबल एंड यू आर ट्राइंग टू कमेंट ऑन माय पर्सनल लाइफ। मैंने कहा यू स्टार्टेड इट, यू सेड माय चाइल्ड इज वेस्टेड एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस एंड विशिंग यू गुड लक। कहती व्हाट डू यू थिंक आई सेड? मैंने कहा यू सेड योर चाइल्ड इज वेस्टेड। कहती यस माय चाइल्ड इज वेस्टेड आफ्टर लास्ट नाइट्स पार्टी बिकॉज इज टू ड्रंक, इज वेस्टेड, ही कांट गेट अप, ही स्टिल स्लीपिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। मैंने कहा तो वेस्टेड का मतलब क्या, तुमने इसको आग कर दिया, अपनी जायदाद से जाया कर दिया, क्या कूड़ा है तुम्हारे बच्चा, जाया हो गया? मुझे लगा तुम्हारा बच्चा पेट में था, प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही थी तो मिस कैरेज हो गया, तो इसलिए तुम परेशान हो, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी सेंसिटिव, यू नो। कहती है हो अहमद वेस्टेड मींस व्हेन यू आर टू ड्रंक टू डू एनीथिंग, यू कांट ड्राइव, यू कांट वॉक एंड यू बिकम टोटली डिसफंक्शनल। मैंने कहा अच्छा 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 टोन ना तुम्हारा बच्चा कल रात की पार्टी करने के बाद, मुझे ये पता नहीं था, मैंने मैट्रिक किया हुआ, देखा मैट्रिक करने का नुकसान हो गया, यही ओ लेवल ए लेवल किया होता ना तो वो लोग तो बचपन से शुरू कर देते हैं टोन होना, क्योंकि अमीर फैमिलीज के बच्चे होते हैं, अमीर फैमिलीज तो पाकिस्तान में भी टोन हो ही जाती है। गरीबों का होता ना मसला की हर आम है कि हम गुर्बत में और मैट्रिक वाले चक्करों में ना मर गए, हम अंग्रेजों के हाथों अब जलील होते हैं, वो हमें वेस्टेड कहते हैं, हमें लगता बच्चा जाया हो गया उनका, हम उनको हम बिस्तर की दुआएं बताने लग जाते हैं। ब्रो इसलिए मैंने बताना था, पाकिस्तान से अगर यूके आ रहे हो ना तो ये स्लैंग जरूर सीख के आना है। आइल्स पे 40,000 जाया करने के बाद भी अगर आपको यूके में आके ब्रिटिश स्लैंग वर्ड समझ नहीं ना आ रहे हैं तो फिर इधर ना आ रहा यार।